Hello friends, myself Alpesh Soni from Cognition Engineering Institute. Partial differentiation ki part 1 mein humne limit and continuity, Dewey's directed and Euler's theorem on homogeneous function ke bare mein discuss kiya tha. Ab is part 2 mein hum partial differentiation ke aur topic discuss karenge. Isme pehla topic hum discuss karenge chain rule yani ki टोटल डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट सपोज कोई यू है हमारे पास फंक्शन आर एस टी का. यू इज द फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. यू आर एस टी का फंक्शन है एंड आर एस टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और हमें डेल यू बाय डेल एक्स यानी यू से एक्स यू से वाई या यू से जेड पार्शियल डिफरेंसेस अगर पूछा हो तो इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि u डायरेक्टली एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है. u एक्चुअली फंक्शन है आर एस टी का. तो u इज द फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. डेल यू बाय डेल एक्स हमें फाइंड करना हो तो पहले डेल यू बाय डेल आर डेल यू बाय डेल एस एंड डेल यू बाय डेल टी लिख दो. और हमें क्या चाहिए डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए तो r का रिस्पेक्ट टू x एस का रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी का रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि यू आर एस टी का फंक्शन है. यू आर एस टी का फंक्शन है तो आर एस टी तो लिख ही दो. यू का रिस्पेक्ट टू आर एस टी पार्शियल डिफरेंशियल लिख दो. इनटू में हमें चाहिए एक्स तो आर का एक्स एस का एक्स एंड टी का एक्स. सिमिलरली अगर रिस्पेक्ट टू वाई करना हो तो इस तरह से कर सकते डेल यू बाय डेल वाई इक्वल डेल यू बाय डेल आर डेल यू बाय डेल एस डेल यू बाय डेल टी लिख दो एंड आर का वाई एस का वाई एंड टी का रिस्पेक्ट टू वाई. सिमिलर रिस्पेक्ट टू जेड करना हो तो ऐसे लिख सकते. तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. इफ यू इज ए फंक्शन ऑफ आर एस टी ऐसा गिवन है एंड आर इक्वल टू गिवन है एक्स बाय वाई एस इक्वल टू गिवन है वाई बाय जेड टी इक्वल टू गिवन है जेड बाय एक्स देन प्रूव दैट एक्स डिलीवर डेल एक्स हमें प्रूव ऐसा करना है एक्स डिलीवर डेल एक्स प्लस वाई डिलीवर डेल वाई प्लस जेड डिलीवर डेल जेड इक्वल टू जीरो. तो आप देख सकते हो कि यू आर एस टी का फंक्शन है एंड आर एस टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और हमें यू से एक्स वाई जेड जाना है तो वाई आर एस टी जाएंगे हम एक्स डिलीवर डेल एक्स वाई डिलीवर डेल वाई प्लस जेड डिलीवर डेल जेड इक्वल टू हमें जीरो प्रूव करना है. तो वी हैव यू इज द फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. तो पहले हमने ये लिख दिया डिलीवर डेल एक्स इक्वल टू दिस जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अब डिलीवर डेल एक्स इक्वल टू डिलीवर डेल आर एज इट इज क्योंकि यू इज द फंक्शन ऑफ आर एस टी. कैसा फंक्शन है वो नहीं दिया सिर्फ बोला गया कि यूज द फंक्शन ऑफ आर एस टी लेकिन आर इक्वल टू गिवन है एक्स बाय वाई तो एक्स बाय वाई आर का रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एक्स का वो वन हो जाएगा और वाई एज इट इज. सिमिलरली डिलीवर डेल एस एज इट इज और एस का रिस्पेक्ट टू एक्स तो एस में तो एक्स ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा एंड डिलीवर डेल टी एंड टी का रिस्पेक्ट टू एक्स तो जेड कॉन्स्टेंट है और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सिमिलरली डिलीवर डेल वाई एंड डिलीवर डेल जेड भी हम फाइंड कर सकते हैं. डिलीवर डेल वाई है डिलीवर डेल आर यहाँ पे जो एक्स लिखते थे अब आ जाएगा वाई बाय वाई एंड डिलीवर डेल जेड इक्वल टू डेल आर बाय डेल जेड डेल आर बाय डेल एस बाय डेल जेड एंड डेल टी बाय डेल जेड लिखेंगे. तो हमें डिलीवर डेल एक्स ये मिला डिलीवर डेल वाई ये मिला और डिलीवर डेल जेड ये मिला और हमें प्रूव करना है एक्स इंटू डिलीवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डिलीवर डेल वाई प्लस जेड इंटू डिलीवर डेल जेड इक्वल टू जीरो. तो एक्स इंटू डिलीवर डेल एक्स एक्स इंटू डिलीवर डेल एक्स जो हमने फाइंड किया ये हमने रख दिया प्लस वाई इंटू डिलीवर डेल वाई तो वाई इंटू डिलीवर डेल वाई ये है हमारा एंड जेड इंटू डिलीवर डेल जेड तो जेड इंटू डिलीवर डेल जेड ये हमने रख दिया. ये जो सारे ब्रैकेट है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल रहा है जीरो तो वो प्रूव हो गया. तो चेन रूल में कोई फंक्शन डायरेक्टली कोई वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा. सपोज यू इज इक्वल टू आर एस टी एंड आर एस टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. तो एक दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा चेन रूल का देख लेते हैं. सपोज यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा. यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा.
तो अगर हमें डेल थीटा या डेल यू बाय डेल आर फाइंड करना हो तो यू तो किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई, तो पहले लिख दो डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई। लेकिन हमें डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई नहीं फाइंड करना है, हमें डेल यू बाय डेल आर फाइंड करना है। तो डेल यू का यू का रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लिख दिया एंड एक्स का रिस्पेक्ट टू थीटा सॉरी आर प्लस वाई का रिस्पेक्ट टू आर। सिमिलरली अगर हमें डेल यू बाय डेल थीटा फाइंड करना हो तो डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई लिख दो एंड एक्स का रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वाई का रिस्पेक्ट टू थीटा वो लिख दो। तो ये हुआ चेन रूल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम जैकोबियन देखते हैं, उसके पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर एंड थीटा, इफ एक्स एंड वाई आर टू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एंड थीटा देन द डिटर्मिनेंट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल आर डेल एक्स बाय डेल थीटा डेल वाई बाय डेल आर डेल वाई बाय डेल थीटा। यानी कि ये जो एक्स है उसका आर एंड थीटा फर्स्ट रो में करो डिटर्मिनेंट में एंड वाई का आर एंड थीटा सेकंड रो में करो। ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे उसका जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे जैकोबियन। जैकोबियन का नोटेशन है जी कैपिटल जी, उसको ऐसे लिखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर थीटा। अगर थ्री वेरिएबल्स हो तो जैकोबियन इज इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव इज इक्वल टू एक्स का आर थीटा फाइव फर्स्ट रो में वाई का आर थीटा फाइव पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड रो में एंड जेड का आर थीटा फाइव पार्शियल डिफरेंशिएशन थर्ड रो में लिखो एंड डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे वो जो आंसर मिलेगा हमारा जैकोबियन है। ये जो जैकोबियन है अगर उसका आप इनवर्स करोगे यानी कि जेड एस करोगे इनवर्स को बोलेंगे जेड एस, तो ये जो आर थीटा फाइव को न्यूमरेटर में लिखो एंड एक्स वाई जेड को डिनोमिनेटर में लिखो एंड जे इंटू जेड एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर वन ही मिलेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसका एक सम डिस्कस करते हैं। इफ यू इक्वल टू टू एक्स वाई एंड वी इक्वल टू एस का माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और हमें डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे आप देख सकते हो यू इज इक्वल टू एक्स वाई v इक्वल टू एस के माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यू वी जो है वो एक्स का फंक्शन है एंड एक्स वाई आर थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो जैकोबियन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू यू वी का एक्स वाई एंड एक्स वाई का आर थीटा, क्योंकि यू वी एक्स वाई का फंक्शन है यू वी एक्स वाई का फंक्शन है एंड एक्स वाई आर थीटा है। तो यू वी से एक्स वाई जाना है एंड एक्स वाई से आर थीटा जाना है। तो यू का एक्स यू का वाई फर्स्ट रो में सिमिलरली वी का एक्स वी का वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड रो में डिटरमिनेंट बनाओ यानी टू बाई टू का डिटरमिनेंट बनेगा। सिमिलरली एक्स का एक्स एक्स का थीटा वाई का थीटा सेकंड डिटरमिनेंट बनेगा। यू का एक्स यानी यू जो हमारे पास है टू एक्स वाई उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई, यू का रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा टू एक्स, वी का रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा टू एक्स एंड वी का वाई हो जाएगा माइनस टू वाई एंड एक्स का रिस्पेक्ट टू आर आर का हो जाएगा वन तो कॉस थीटा एक्स का थीटा माइनस आर साइन थीटा, वाई का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा वाई हमारे पास है आर साइन थीटा तो आर का वन और साइन थीटा एंड वाई का रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा आर कॉस थीटा। फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करो दिस माइनस दिस यानी कि माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, पीछे वाला जो ब्रैकेट है उसमें से आर कॉमन निकलेगा एंड आगे वाला जो ब्रैकेट है उसमें से माइनस फोर कॉमन निकलेगा। लेकिन एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास एक्स इक्वल टू आर साइन आर कॉस थीटा है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, अगर दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो एस स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस फोर तो है और ये हुआ आर तो माइनस फोर आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा माइनस फोर आर क्यूब। तो जैकोबियन के डेफिनेशन और इसका ये सम हमने डिस्कस किया। फिर से देखो यू इज द फंक्शन ऑफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा, तो डेल यू अपॉन डेल आर थीटा फाइंड करना हो तो यू से एक्स वाई से आर थीटा जैकोबियन बना दो ऐसे यू का एक्स वी का वाई वी का एक्स वी का वाई
एस का थीटा वाई का थीटा ये सब फाइंड करके यहाँ पे डाल दो और सिंप्लीफिकेशन कर दो, हमारा जैकोबिन का आंसर है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल। तो पहले उसके रूल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग रूल है, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन उसका डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड करना है। देन नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा इज डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो। फिर जो दो इक्वेशन है डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको आप सॉल्व करो, इक्वल टू जीरो रख दो, फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आपको आर आर यानी जो फंक्शन का एक बार रिस्पेक्ट टू एक्स किया उसका दूसरी बार रिस्पेक्ट टू एक्स करो, यानी कि टू टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड एस डेल स्क्वायर बाय डेल एस डेल वाई फाइंड करो एंड डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, ये तीन आर एस टी फाइंड करो। देन सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम इज आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। RT minus S square greater than 0 होना चाहिए। अगर RT minus S square greater than 0 है, तो आपको ये दो और रूल चेक करने, ये दो कंडीशन चेक करनी है। इफ R और T अगर दोनों पॉजिटिव है यानी कि greater than 0 है, तो वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर R और T less than 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर RT minus S square greater than 0 नहीं है लेकिन less than 0 है तो उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। एंड RT minus S square equal to 0 है और R equal to 0 है तो nothing can be said about maximum minima and further investigation required। तो ये जो रूल्स हैं उसके ऊपर से हम सम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो फर्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है एस क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस ट्वेंटी, इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है एंड कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से जाते रूल्स में पहला है हमारा डेल एफ बाय डेल एक्स, वो हमने फाइंड किया यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डेल एफ बाय डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। फिर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम इज डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, सेकंड रूल। इसको जीरो रखने के बाद हमें सॉल्व करनी है, यानी कि डेल एफ बाय डेल एक्स यानी ये थ्री एक्स का माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा मैं प्लस माइनस वन। सिमिलरली थ्री वाई का माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस टू। तो एक्स की आपको दो वैल्यू मिल रही है, वाई की दो वैल्यू मिल रही है एंड ये दो दो वैल्यू को आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको चार पॉइंट्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट फाइंड आर एस टी, आर यानी टू टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक बार तो किया हुआ है थ्री एक्स का माइनस थ्री उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिक्स एक्स, दूसरी बार हो जाएगा एक्स का रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा जीरो एंड वाई का दूसरी बार वाई सिक्स वाई। फिर हमें जो पॉइंट मिले वन टू वन माइनस टू माइनस वन टू माइनस वन माइनस टू, ये सफिशियंट कंडीशन फॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो या आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो या आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वो हमें चेक करना है। तो जो पॉइंट मिले इसको ऐसे कॉलम वाइज रख दो और एक टेबल ऐसा बनाओ, आप मैनुअल भी लिख सकते हो एंड टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। टेबुलर फॉर्म में थोड़ा इजी रहेगा, टाइम बचेगा एंड देखने में थोड़ा इजी रहता है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है कि पॉइंट्स फर्स्ट कॉलम में आर एस टी आर टी माइनस एस स्क्वायर आर और टी रिजल्ट एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसे ही कॉलम बना दो। पहला पॉइंट है वन टू और आर आपके पास है सिक्स एक्स, उसमें वन टू का मीनिंग है एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू, वो यहां पे आर में डालोगे तो सिक्स इंटू वन हो जाएगा सिक्स। सिमिलरली एस एस तो जीरो ही है एंड टी टी हमारे पास है सिक्स वाई, उसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लेकिन x नहीं है y है 2 तो 6 2 = 12। फिर rt - s² किया हमने, rt - s² हो रहा है हमारा 12 6 = 72 माइनस 0 यानी कि 72 72 कैसा है ग्रेटर देन 0 है।
ये फिफ्थ नंबर का रूल है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है आरटी माइनस एस स्क्वायर, यानी कि सफिशियंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है आरटी माइनस एस स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन जीरो। तो आरटी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो सब रूल इफ आर और टी ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, आर और टी लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां पे हमारे पास आर एंड टी दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आर और टी ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर ये जो पॉइंट है हमारे पास वन टू, यानी कि एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू क्वेश्चन में डाल दो, यानी कि एक्स की जगह वन पुट करूं वाई की जगह टू पुट करूं तो हमें कुछ मिल रहा है टू। ये जो वैल्यू मिल रही है टू ये वन टू पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, वन टू पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। अब दूसरा पॉइंट है वन माइनस टू, आर में वन पुट किया और वाई की जगह एस की जगह वन पुट किया वाई की जगह माइनस टू पुट किया। सिमिलर एस में भी टी में भी ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स जीरो माइनस ट्वेल्व, आर टी माइनस एस हो रहा है माइनस ट्वेल्व, आर टी माइनस एस हो रहा है माइनस सेवेंटी टू, सेवेंटी टू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो तो रूल नंबर सिक्स, अगर ग्रेटर देन जीरो तो रूल नंबर फाइव, लेकिन यहाँ पे लेस देन जीरो तो रूल नंबर सिक्स सेटिस्फाई हो रहा है तो आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस सेवेंटी टू है तो लेस देन जीरो है तो पॉइंट हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे सैडल पॉइंट। फिर सिमिलरली हमने वन टू वन माइनस टू के लिए किया, अब माइनस वन टू एंड माइनस माइनस वन माइनस टू के लिए भी हम चेक कर सकते हैं और वो जो मिलेगा यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आप लास्ट वाला देखो माइनस वन माइनस टू माइनस सिक्स मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है माइनस ट्वेल्व मिल रहा है, ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू माइनस माइनस प्लस विच इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन यहाँ पे आर एंड टी दोनों लेस देन जीरो है, अगर आर एंड टी लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो आर लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर माइनस वन माइनस टू यहाँ पे क्वेश्चन में डालना है और वो जो मिल रहा है हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हुआ मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजिस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई। तो उसके रूल पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यू एक सपोज करना है, यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्ब्डा इनटू फाई ऑफ एक्स वाई जेड। एफ क्या है, एफ यानी आपको जिसकी भी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करें उसको आप एफ सपोज करो, और एक लैग्रांजिस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई में आपको एक कंडीशन दी होगी उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट, उसको आप फाई सपोज करो, यानी कि यू इक्वल टू जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी उसको एफ प्लस लैम्ब्डा इनटू फाई यानी कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, डिलीवर डेल एस डिलीवर डेल वाई डिलीवर डेल जेड फाइंड करना है, तीनों इक्वल टू जीरो रखना है एंड ये तीनों सॉल्व करने हैं। डिलीवर डेल एस डिलीवर डेल वाई डिलीवर डेल जेड इक्वल जीरो रखेंगे तो आपको तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे, ये तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करो एंड ये जो कंडीशन फाई है उसका भी आप यूज करो एंड एक्स वाई जेड एंड लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू एक्स वाई जेड सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 108। तो सबसे पहले आपको u इक्वल टू f प्लस लैम्डा फाई ये फॉर्मूला लिखनी है, वेर f मैक्सिमम मिनिमम किसको बनाना है आपको, v को, तो f वो आपका v यानी कि एक्स वाई जेड प्लस कंडीशन यानी कंस्टेंट क्या गिवन है, 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 108 इक्वल टू 0, उसको आप फाई सपोज करो तो लैम्डा इंटू फाइव। अब रूल क्या है हमारे पास, डिलीवर डेल जेड इक्वल टू जीरो रखना है। तो सबसे पहले डिलीवर डेल एक्स मैंने फाइंड किया तो एक्स वाई जेड का हो जाएगा वाई जेड प्लस टू लैम्ब्डा, एक्स का वन वाई जेड टू एक्स का टू, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स पास का डिफरेंशिएशन है। डिलीवर डेल वाई हो रहा है एक्स जेड प्लस टू लैम्ब्डा, डिलीवर डेल जेड हो रहा है एक्स वाई प्लस टू लैम्ब्डा। नाउ लेट डिलीवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डिलीवर डेल वाई इक्वल टू जीरो एंड डिलीवर डेल जेड इक्वल टू जीरो, ये तीन इक्वल टू हम जीरो रख देंगे क्योंकि हमारे पास स्टेप टू है, तीन इक्वल टू जीरो रखना है। तो इसको जीरो रखा फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को एंड थर्ड वाले इक्वेशन को हमने जीरो रखा, तो हमें ये तीन इक्वेशन मिलेंगे, टू लैम्ब्डा सामने जाएगा माइनस टू लैम्ब्डा। फिर ये जो तीन इक्वेशन मिले और हमारे पास कंडीशन है
2x plus 2y plus 2z minus 108 इसका यूज करना है और हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो yz equal to xz equal to and xy equal to राइट हैंड साइड तीनों में माइनस 2 लैम्बडा है, यानी कि राइट हैंड साइड अगर सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हो। तो yz प्लस इज इक्वल टू xz इक्वल टू xy इक्वल टू माइनस 2 लैम्बडा, यानी कि आप लिख सकते हो x इक्वल टू y इक्वल टू z। इन तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू y इक्वल टू z। देयरफॉर हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 108 तो है ही। अब x इक्वल टू y इक्वल टू z है और ये इक्वेशन तो आप x y z की वैल्यू यानी कि y इक्वल टू x एंड z की वैल्यू x इसमें डाल दो तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 108 यानी 6x इक्वल टू 108। तो x इक्वल टू 18, x 18 मिला तो y और z भी 18 मिल गया, x y z 18 मिल गया तो हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना था v की वैल्यू x y z, उसमें आप डाल दो तो 18 18 18 यानी कि 18 का क्यूब इट विल बी 532 इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले करना कि आपको जिसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी उसको आप f सपोज करो प्लस लैम्बडा इनटू फाई फाई यानी कंडीशन यानी कंस्टेंट, फिर डेली बाय डेली फाइंड करो, इसको जीरो रख दो, फिर इसको सॉल्व करो और 2x + 2y + 2z = 108 हमारे कंडीशन है उसका यूज करके हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। x y z की वैल्यू जो भी मिले और जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी उसमें डाल दो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा लैग्रांजिस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसकी फॉर्मूला है dy/dx = -fx/fy, यानी कि dy/dx = फंक्शन जो भी क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन में जो भी फंक्शन गिवन है उसका रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, दोनों का डिवीजन ले लो आगे माइनस रख दो हमारा dy/dx है। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। बाय यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx फॉर x = y + sin xy + y - log 2 = 0 एट 0, log 2, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि dy/dx = -fx/fy। तो dy/dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया उसको f ऑफ xy सपोज कर दो, f ऑफ xy = दिस हमारा क्वेश्चन, गॉट इट। फिर जो फंक्शन है उसका रिस्पेक्ट टू x करो, तो dy/dx = x का 1 हो जाएगा = y प्लस साइन एक्स का हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स वाई एंड एक्स वाई का हो जाएगा 1 इंटू वाई, यानी कि वाई मैंने आगे लिख दिया एंड रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स इज टू वाई साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स वाई एंड एक्स वाई का रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई का 1 एंड लॉग 2 का 0। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 0, log 2, 0, log 2 का मीनिंग है dy/dx एंड dy/dy में आप x की जगह 0 पुट करो एंड y की जगह log 2 पुट करो। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे dy/dx में, तो आप देखो 0, log 2 e^y की वैल्यू log 2 प्लस y की वैल्यू log 2 cos 0, cos 0 हो जाएगा 1 एंड e^log 2 हो जाएगा 2, ये log की प्रॉपर्टी है log 2 cos 0 1। तो ये हुआ हमारा dy/dx। सिमिलरली आप dy/dy भी x की जगह 0 एंड y की जगह log 2 डाल दो तो आपको कुछ मिल रहा है 1। देन dy/dx = ये हमारी फॉर्मूला है -fx/fy, तो आपका माइनस ये है fx है 2 प्लस log 2 एंड fy 1, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस log 2। तो ये हुआ हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का dy/dx। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे टेलर एक्सपांशन फॉर टू वेरिएबल। तो पहले उसकी फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और कैसे उसको याद करना है वो डिस्कस कर लेंगे। तो टेलर एक्सपांशन फॉर टू वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए वी, यानी कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हम एफ ऑफ एक्स वाई सपोज करेंगे, उसमें ए बी यानी जो भी पॉइंट गिवन है वो डालेंगे तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ए बी, फिर एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स, एफ एक्स यानी एक बार डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें ए बी डालेंगे y माइनस बी एफ ऑफ वाई ए बी यानी फंक्शन का रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें पॉइंट ए बी डालेंगे, फिर
ऐसे 1/2 फैक्टोरियल और ये फॉर्मूला है 1/3 फैक्टोरियल और इतना एक्सपांशन हमें उसने टेलर सीरीज का एक्सपांशन की फॉर्मूला हमें याद करनी है। लेकिन ये फॉर्मूला याद कैसे किया जाए, तो थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं a इक्वल टू x माइनस a एफ एक्स ए बी एंड b इक्वल टू कैपिटल b इक्वल टू सपोज करते हैं y माइनस b एफ वाई बी। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल पहले ऐसे लिख दो एफ ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ए प्लस बी का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये तो याद रखने में बहुत ईजी है एफ ऑफ ए बी ए प्लस बी का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ए प्लस बी का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस और 2 प्लस। तो आप कंपेयर करो देखो एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए बी ए यानी हमारा है एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी बी है हमारा वाई माइनस बी एफ वाई बी तो यहाँ पे बी रख दिया। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की एलजेब्रिक फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी 2 ए बी यानी 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं करना है, इसमें थोड़ी एक और छोटी सी चीज याद रखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं लेकिन एफ का एक्स और वाई दो बार डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई प्लस वाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई माइनस बी का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर नहीं लेकिन एफ का 2 टाइम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई ए बी। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी ऐसे हमें मिल सकती है। तो ये याद रखोगे इतना तो ये याद हो जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक्सपांड टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन यूजिंग टेलर एक्सपेंशन। तो आपको यहाँ पे एक्स माइनस जो भी दिया है वो हमारा ए है एंड वाई माइनस जो भी दिया होगा वो हमारा बी है, तो ए एंड बी है 1:1। तो यार एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टेन इनवर्स वाई बाय एक्स एक्स माइनस इक्वल एक्स माइनस वन तो ए विल बी 1 वाई माइनस बी इक्वल वाई माइनस वन तो बी इक्वल टू 1। एफ ऑफ ए बी पहला हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए बी यानी कि फंक्शन में हमें 1:1 पुट करना है तो टेन इनवर्स 1:1 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4 तो एफ ऑफ 1:1 हुआ पाई बाय 4। फिर एफ एक्स यानी कि फंक्शन का रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन तो टेन इनवर्स का डिफरेंस हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर एंड वाई बाय एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वाई कॉन्स्टेंट 1/एक्स का माइनस 1/एक्स स्क्वायर। इसका हमने एलसीएम लिया तो कुछ हमें टर्म ऐसा मिला सिंप्लीफिकेशन करने के बाद और उसमें हम 1:1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2। हमें क्या करना है एफ ऑफ एक्स एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई इतने डिफरेंशिएशन हमें 5 डिफरेंशिएशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में अगर बोला गया कि फाइंड द टेलर एक्सपेंशन अप टू क्यूबिक यानी क्यूबिक यानी क्यूबिक एक्सपेंशन यानी यहां तक हमें जाना पड़ेगा, अगर कुछ बोला ना हो तो आप स्क्वायर तक जा सकते हो वो हमारा आंसर है। अगर क्यूबिक एक्सपेंशन तक बोला हो तो हमें 3 टाइम डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है कंपल्सरी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन तक स्टॉप हो सकते हो। तो फर्स्ट हमने फाइंड किया एफ ऑफ ए बी यानी कि एफ ऑफ 1:1 फिर फाइंड किया एफ एक्स फिर एफ ऑफ वाई यानी कि रिस्पेक्ट टू वाई फिर दो बार रिस्पेक्ट टू एक्स उसमें पॉइंट डाला दो बार रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई उसमें पॉइंट हमने पुट किया 1:1 फिर एफ ऑफ वाई वाई यानी 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन उसमें पॉइंट पुट किया तो -1/2 वैल्यू मिली। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वैल्यू चाहिए थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू मिल गई। तो ये फॉर्मूला भी हम पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला आपको लिखनी पड़ती है एग्जाम में। तो बाय टेलर एक्सपेंशन टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स वाई यानी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ये जितनी भी हमने वैल्यू फाइंड की फॉर्मूला में पुट कर दी और उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। तो ये हुआ टेलर एक्सपेंशन फॉर 2 वेरिएबल। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ ए सरफेस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन x माइनस एक्स वन डेल एफ बाय डेल एक्स एट पी y माइनस वाई वन डेल एफ बाय डेल वाई एट पी प्लस z माइनस जेड वन डेल एफ बाय डेल जेड एट पी इक्वल टू 0। f यानी जो भी सरफेस है जिसका हमें टेंजेंट प्लेन या नॉर्मल लाइन फाइंड करना है उसको f सपोज करेंगे x1 y1 z1 आपको एक पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट पे हम x1 y1 z1 सपोज करेंगे एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है x माइनस एक्स वन डेल बाय डेल एक्स एट पी वाई माइनस वाई वन डेल बाय डेल वाई एट पी एंड जेड माइनस जेड वन डेल बाय डेल जेड एट पी। तो एक एग्जांपल देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट 1:1:1 पॉइंट है हमारे पास 1:1:1 ये हमारा पॉइंट पी है
उसमें एक्स वन है वन, वाई वन है वन, जेड वन है वन एंड सरफेस गिवन है एस के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू थ्री। तो ये जो सरफेस है उसका हमें टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एस के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री। फॉर्मूला में आप देखो रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू वाई, रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ का रिस्पेक्ट टू एक्स डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू एक्स, रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा टू वाई, रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा टू जेड। ये जो फंक्शन का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया उसमें आप पॉइंट वन 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 पुट करो तो डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा टू, टू इंटू वन यानी कि एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू वन यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड की वैल्यू टू 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 मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है उसमें एक्स वन वाई वन जेड वन हम डाल देंगे वन वन वन, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड पुट करेंगे टू टू टू, वो हमने फाइंड किया। तो एक्स माइनस वन टू, वाई माइनस वन टू, जेड माइनस वन टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एक्स माइनस एक्स वन डेल बाय डेल एक्स एट पी, वाई माइनस वाई वन डेल बाय डेल वाई एट पी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन डेल बाय डेल जेड एट पी। तो x माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन 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 है एंड डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड टू 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 है। तो उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक डिस्कस किए। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कोचिंग सेंटर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये जो सारे टॉपिक है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने रखी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।